कमलनाथ पर जीतू पटवारी ने बयान दिया है, बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले हैं जीतू पटवारी, कह रहे हैं ये खबर बिल्कुल निराधार। कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते, इंदिरा का तीसरा बेटा कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, ये बड़ी बात जीतू पटवारी द्वारा कही जा रही है। उन्होंने कहा लेकिन नकुलनाथ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं जीतू पटवारी। जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलके किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच की आंच में, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और पांच की आंच में आज बात होगी इंदौर की, जहां बच्चों को भिखारी बनाने की कहानी है, आखिर कैसे कौन ये कर रहा है आपको बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कैसे मिलावट का खेल चल रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर को ट्रेंड करवाना चाहते हैं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। बात आपसी कहा सुनी के बाद टोल प्लाजा पर मारपीट और अभद्रता की भी आज हम करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से बताएंगे, जहां एक बकरी की चोरी करने के लिए आरोपी लग्जरी कार लेकर आए और उसे लेकर चले गए। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और बात सबसे पहले इंदौर की। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ साफ शहर है, लेकिन यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है और शहर के चौक चौराहों पर उनसे भीख मंगवाई जा रही है। इसको लेकर एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी इसका सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चलिए आपको बताते हैं इंदौर में कैसे बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है। लखपति भिखारी के बाद बड़ा खुलासा, इंदौर में भिखारी गिरोह का पर्दाफाश, बच्चों को भिखारी बनाने की कहानी, नशे की लत और फिर भीख की शर्त। कौन है भिखारी गिरोह का सरगना? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है। पहले उन्हें नशे की लत लगाई जाती है और फिर भीख मांगने को मजबूर किया जाता है। ये कहानी है भिखारी बनने की। प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा गिरोह चल रहा है, लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं। पिछले दिनों इंदौर की सड़क से एक लखपति भिखारी का पर्दाफाश हुआ था, अब उसी गिरोह के अन्य आरोपियों का भी पर्दाफाश हुआ है। शहर के बंबई बाजार में भिखारी गैंग का खुलासा हुआ है। ये ही गैंग शहर में बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है। बताया जा रहा है कि पहले गरीब और मजबूर बच्चों की तलाश की जाती है, फिर उन्हें नशे की लत लगाई जाती है। जब वो नशे के आदी हो जाते हैं तो उन्हें भीख मांगने को मजबूर किया जाता है। एक बार नशे की लत लग गई तो लग गई, फिर कोई नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन मासूमों के साथ हुआ। पुलिस ने भीख मांगने वाले चार बच्चों का रेस्क्यू किया। ये मामला बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जब पता किया और बच्चों को जब रेस्क्यू किया तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें नशा कराया जाता है और उनसे जो है इस तरह के कृत्य कराए जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, आगे भी कोशिश करेंगे जो गिरोह है उसको हम लोग पकड़ सकें। पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस ने भिखारी गिरोह के दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
देखिए, लगातार हमारी टीम जिस तरह से सर्वे कर रही है, हमें सूचना बार बार मिल रही थी कि जवाहर मार्ग के वहां पर एक बाघमारे का बगीचा है जहां पर अनैतिक गतिविधियां भी हो रही है। लगभग 40 बच्चों का जो एक गिरोह ने उन लोगों को विभिन्न तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें नशा कैसे करना, व्हाइटनर थीनर जैसे सस्ते नशा के आदि बनाकर उनको पॉकेट मारना, मोबाइल छीनना, यहां तक कि लोगों से कैसे भीख मांगना, इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी। सूचना मिलने पर फिर हमने सराफा पुलिस दल के साथ, महिला बाल विकास की टीम के साथ हमने कार्यवाही की और लगभग 4 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया है। अब सवाल ये कि आखिर कौन है जो इंदौर में भिखारी गिरोह चला रहा है, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इस पर प्रशासन को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। त्योहारों का सीजन नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोरों का सीजन भी है। शिवपुरी और भिंड में मिलावटखोरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिवपुरी में दुकान और भिंड में दूध डेयरी को सील कर दिया, लेकिन फिर भी मिलावटखोरों पर नकेल नहीं कस पा रही। कार्रवाई का असर नहीं दिखता, रिपोर्ट देखिए। मिलावट का खेल, प्रशासन की नकेल। शिवपुरी भिंड में मिलावट पर एक्शन, प्रशासन ने लिए सैंपल, दुकानें सील। बाजार में मिलने वाली मिठाई आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, क्योंकि आजकल हर जगह मिलावट ही मिलावट है। उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए, शायद बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को आप खाएं, लेकिन इन्हें पहले देख लें। गंदगी का आलम है और मिलावट का खेल है। शिवपुरी और भिंड में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट करने वाले ठिकानों पर कार्रवाई की। सबसे पहले शिवपुरी की तस्वीरें देखिए, किस तरह से चोरी छिपे मिलावट का ये खेल चल रहा है। जिला प्रशासन ने मिलावटी मावा समेत अन्य सामग्री जब्त की, साथ ही प्रशासन ने 3 दुकानों को सील किया। प्रशासन की ओर से कई दुकानों से सैंपल्स लिए गए। उधर भिंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। भोपाल से आई खाद्य विभाग की टीम ने दूध की 2 डेयरी पर कार्रवाई की, जहां से 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने डेयरी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि पामोलिन यानी पाम ऑयल से मावा तैयार किया जा रहा है। डेयरी और चिलर सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी। 10 डेयरियों पर सुबह कार्रवाई हमने की थी, जिसमें से हमने दूध और दूध से जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के सैंपल लिए हैं, क्योंकि जो मेनली फोकस है मिलावट का वो दूध और दुग्ध पदार्थों में है। और इसके पश्चात रात्रि के समय में कलेक्टर महोदय स्वयं जो है वो मिरकपुरा और रजपुरा स्थित 2 डेयरियों पर, जहाँ पर मावा का निर्माण हो रहा था, वहाँ पर छापामार कार्रवाई की। तो एक डेयरी पे जो कि राजपूत डेयरी के नाम से थी और उसका संचालक लाखन सिंह नरवरिया था। प्रशासन की ओर से मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन मिलावट का कारोबार जारी है। लोगों में कार्रवाई का ज्यादा असर नहीं दिखा, जिसकी वजह से मिलावट का कारोबार फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।